हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं कैरेट बीन्स पोटैटो मिला के एक सब्जी का रेसिपी दिखाती हूँ। वेजिटेबल में नारियल डाल के ड्राई करी बनाती है तो केरल में उसे तोरन बोलती है। मेरे माँ घर पे 3-4 वेजिटेबल मिला के तोरन बना के देती थी, तो इस वीडियो में माँ को डेडिकेट करती हूँ। तो हम देख लेंगे ये कैसे बनाती है करके। आई एम रंजनी, वेलकम टू केरला होम रेसिपीज। ये करी बनाने के लिए स्टोव में एक कढ़ाई गरम करके उसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें 1 छोटा टीस्पून मस्टर्ड डालेंगे। मस्टर्ड अच्छे से फूटने के बाद हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 सूखा हुआ रेड चिल्ली, कटा हुआ 1 प्याज भी डाल के अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मैंने इधर प्याज को 6 पीसेस करके काटा है, तो हमारा प्याज इधर थोड़ा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। वेजिटेबल को मैंने 6 पीसेस करके काटा है क्योंकि ये जल्दी पक जाए। इस तोरन बनाने के लिए हम पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, वेजिटेबल को ऑयल में ही पकाएंगे। तोरन बनाने के लिए मैंने इधर कैरेट बीन्स आलू को यूज़ किया है, इसके बदले कैबेज, बीटरूट, रॉ बनाना भी यूज़ कर सकती है। वेजिटेबल में आवश्यकानुसार नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद वेजिटेबल को कढ़ाई का सेंटर पोर्शन में इसी तरह जॉइन करके रख के ढक्कन लगा के 7-8 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। वेजिटेबल पकने के टाइम के अंदर उसमें डालने के लिए कोकोनट मसाला रेडी कर देंगे। उसके लिए एक मिक्सी के जार रख के उसमें हम 1/2 कप कोकोनट डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर भी डाल रही हूँ। रेड चिल्ली पाउडर आपका स्पाइस के हिसाब से डाल दीजिए, उसके बदले ग्रीन चिल्ली भी डाल सकती है। नारियल को अच्छे से क्रश करना है, पेस्ट नहीं करना है। नारियल इधर अच्छे से क्रश हो गया है। 8 मिनट हो गया। अब हम कढ़ाई का ढक्कन ओपन करके वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिट्टी के कढ़ाई में कुक करने के टाइम नीचे चिपकने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए स्टव को लो फ्लेम में रख के ही कुक करना है। वेजिटेबल इधर अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें कोकोनट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल पकने के बाद ही कोकोनट मसाला को ऐड करना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम 1 मिनट तक लो फ्लेम में ढक्कन लगा के पकाएंगे। 1 मिनट हो गया। अब हम ढक्कन निकाल के वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्स वेजिटेबल तोरन इधर रेडी हो गया है। ये एक हेल्थी डिश है, आप ये ज़रूर बना के देख लीजिए और मुझे फीडबैक बता दीजिए। आपको कुछ सजेशन है तो मेरा इंस्टाग्राम पर मैसेज डाल दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मेरा वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना मत भूलिए। और अगले अच्छे वीडियो के साथ हम मिलती है। बाय, टेक केयर ऑल।